पश्चाताप का अर्थ है जो आपने किया उसके लिए पछतावा। यदि आप चोरी करते हैं तो आप चोरी के लिए पछता लेते, आप हिंसा करते हैं तो आप हिंसा के लिए पछता लेते। आपको दोष अपने दुष्कृत्य में अवश्य दिखता है, किंतु अपने आप में नहीं। क्योंकि दोष आप अपने से बाहर ढूंढते हैं, उसके कारण अपने से पृथक करके देखना चाहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपने अहम को, अपने अहंकार को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? और इसके लिए सबसे सरल माध्यम बन जाता है पश्चाताप। तपस्या तो सभी करते हैं, किंतु केवल अपने स्वार्थ। कोई भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता। कोई भी तपस्या इसलिए नहीं करता कि उसकी भक्ति उसके आराध्य तक पहुंच जाए। मृत्यु चाहते हो, मुक्ति चाहते, किंतु मृत्यु से मुक्ति प्राप्त नहीं, ना ही मृत्यु जीवन का अंत। सृष्टि ही जीवन, प्रकाश ही जीवन। और यदि जब हम नेत्र खोले और हमें प्रकाश की अनुभूति ना हो, तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रकाश कहीं हो। प्रकाश है, आवश्यकता है तो अपने नेत्र खोल कर अंधकार को परे दे। इस संसार में उन्नति तभी संभव है जब इस संसार में समानता हो। बराबरी कि कोई सर्वशक्तिशाली ही नहीं रहेगा तो कोई निर्बल नहीं होगा। यदि कोई बड़ा नहीं होगा तो कोई छोटा ही नहीं रह पाएगा। शक्ति के इस संतुलन को संतुलित रखना अनिवार्य है, क्योंकि ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति व्यक्तिगत होती है। वो केवल अपने स्वार्थ, अपने उद्धार तक ही सीमित रहती। ईर्ष्या ही वो विष है जो व्यक्ति के हृदय में ना हारने की महत्वाकांक्षा को जन्म देती। जीतने की इस व्यवस्था से ग्रसित मनुष्य धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित का ज्ञान भूल जाता है। संवेदना करुणा भूल जाता है। उसे स्मरण रहता है तो केवल जीतना, भले ही वो छल कपट के माध्यम से ही क्यों ना हो। एक असुर था, एक ऋत। एक दिन वो ब्रह्मलोक गया, और बड़ी चालाकी से उसने ब्रह्मदेव से चारों वेद प्राप्त कर लिए। और जाके समुद्र में छुप गया, क्योंकि सारा ज्ञान वेदों में निहित है। इसीलिए संसार से सारा ज्ञान चला गया। जब अज्ञानता का अंधकार फैलता है तो अधर्म बढ़ने लगता है। भगवान विष्णु सब देख रहे थे, उन्हें ज्ञान था कि शीघ्र पृथ्वी लोक पर प्रलय आने वाला है। एग्र के साथ चारों वेद भी लुप्त होने का भय था। ब्रह्मदेव सृजन करता है, वेदों के अभाव में
पुनर्जन्म की प्रक्रिया को पुनर्स्थापित करना अत्यंत कठिन, इसीलिए हैग्रीव से उन वेदों को पुनः प्राप्त करना अनिवार्य था। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु ने एक मत्स्य रूप धारण किया, वो एक मछली बने और नदी में उतरे। राजा सत्यव्रत स्नान कर रहे थे, एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। इतनी छोटी मछली? भगवान विष्णु? हाँ, राजा सत्यव्रत उस मछली को जल में छोड़ने जा ही रहे कि उस मछली ने बड़ी मछलियों का भय जताते हुए उनसे विनती की, उनसे कहा कि वो उसे अपने साथ ले चले। राजा सत्यव्रत अत्यंत दयालु थे, मछली को अपने कमंडल में शरण दे दी। और अपने महल में रही, किंतु रात भर में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में रह पाना उसके लिए संभव ही नहीं था। और उसका बड़ा आकार देखने के पश्चात राजा सत्यव्रत ने उसे कमंडल में से निकालकर एक मटके में डाल दिया। मटके में डालने के पश्चात उसका आकार पुनः बड़ा हो गया, तो राजा सत्यव्रत ने उसे मटके में से निकालकर एक सरोवर में रख दिया। किंतु उस एक ही रात में सरोवर में रखने के पश्चात भी उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे नदी में रखना पड़ा। किंतु नदी में रखने के पश्चात भी उसका आकार पुनः बड़ा हो और इतना बड़ा हो गया कि यदि उसे महासागर में नहीं रखा जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। राजा सत्यव्रत उसे महासागर की ओर ले गए। क्योंकि राजा सत्यव्रत तपस्वी थे, ज्ञानी थे, उन्हें आभास हुआ कि ये कोई साधारण मछली नहीं, ये स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ही है। भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत की उदारता से अत्यंत प्रसन्न थे, इसीलिए उन्होंने राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप धारण करने का कारण बताया। साथ ही उन्होंने सत्यव्रत से कहा, आज से सातवें दिन प्रलय आएगा, समस्त पृथ्वी जल में समा जाएगी, किंतु आप सप्त ऋषियों के साथ साथ अनाज, वनस्पति व अशुद्धों की प्रत्येक प्रजाति के बीज और प्रत्येक पशु का एक एक जोड़ा लेकर एक विशाल नौका में सवार होकर मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। केवल एक ही स्थान ऐसा होगा जिसकी ऊंचाइयों को जल छू नहीं पाएगा। मैं लौटूंगा और आपको वहां लेके चलूंगा। ऐसा कौन सा स्थान था? हिमालय पर, अर्थात तुम्हारी माता के पिता हिमालय। फिर क्या हुआ? ऐसा कहके भगवान विष्णु समुद्र में चले गए और अपने मत्स्य रूप में उन्होंने हैग्रीव को ढूंढ निकाला, उस दुष्ट का वध करके वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। तो क्या अकेले आया? हाँ, ठीक सातवें दिन। किंतु भगवान विष्णु के आदेश अनुसार राजा सत्यव्रत एक विशाल नौका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी विष्णु जी एक सिंह वाली विशाल स्वर्ण मत्स्य रूप में प्रकट हुए। नौका को मत्स्य से बांधते हेतु सर्पराज वासुकी का प्रयोग किया गया और विष्णु जी ने अपने वचन अनुसार उन सबको हिमालय तक सुरक्षित पहुंचाया, ताकि प्रलय के पश्चात वेदों के आधार पर संसार पुनः बसाया जा सके। राजा सत्यव्रत मनु कहलाए। मनु अर्थात मानव जाति के प्रजनक। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने न केवल वेदों को पुनः प्राप्त कर अभी तो समस्त संसार का कल्याण भी
अर्थात भगवान हर संकट में अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। अस्थिरता तो केवल अविश्वास से आती है, स्थिरता के लिए विश्वास अनिवार्य। विश्वास और शांति की निरंतरता बनाए रखना कैसे संभव है? इस नकारात्मकता का प्रसार हम कैसे रोकें प्रभु? केवल इस जागरूकता से कि सब कुछ अहम से संबद्ध नहीं। जब भी किसी व्यक्ति के कार्य में अहम भाव प्रबल हो तो अहंकार व्यक्ति जैसा भी हो उसे अस्तित्व केवल वैसा ही प्राप्त होता है। व्यक्ति यदि अपने कर्मों के लिए अपने को उत्तरदायी समझे तो स्वतंत्रता। जब तक व्यक्ति किसी और को उत्तरदायी समझेगा तब तक वो निर्भर रहेगा। व्यक्ति यदि ये सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो सुखी कैसे रह पाए? यह असंभव है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना उसके वश में नहीं। वो तो केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। यही एक स्वतंत्रता है उसके पास। जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो व्यक्ति के अपने फल है, अपने निर्णय के फल। और जिस दिन वो अपने निर्णय परिवर्तित कर ले उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन भी आ जाएगा। जिन्होंने जीवन की प्रति घृणा सिखाई उन सभी व्यक्तियों ने पृथ्वी को नरक बनाने में अपना योगदान दिया। इसलिए अधिकांश व्यक्ति अपने दोष, अपनी त्रुटियां और अपनी व्यर्थता को जीवन पर आरोपित कर मुक्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन ऐसा ही होता है और उसके समक्ष को विवश। वो ये नहीं समझते कि वो जिन प्रवृत्तियों को लिए वो प्रवृत्तियां दुख को जन्म देने वाली वृत्तियां हैं। वो अपनी अज्ञानता के गहराई से अनभिज्ञ है और वो अपने अहंकार में यह स्वीकार नहीं कर पाते कि वो तो कुछ जानते हैं। अहंकार सर्वज्ञता का भ्रम उत्पन्न करता है। न जानने की स्वीकृति बहुत बड़ी विनम्रता है और वही पवित्रता भी है। हमें संसार में संतुलन को बनाए रखने के लिए पवित्रता के आधिक्य की आवश्यकता है। किंतु प्रभु, इस पवित्रता में कौन से लक्षण अनिवार्य हैं? अनेकों लक्षण, किंतु इन परिस्थितियों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है सत्त्व। सकारात्मक ऊर्जा का सबसे पावन स्वरूप सत्त्व। इस सत्त्व पर मात्र विश्वास ही पर्याप्त है व्यक्ति को सुरक्षित रखने के। एक बार व्यक्ति सत्यत्व पर विश्वास कर ले तो नकारात्मकता सदैव के लिए दूर हो जाती है और संतुलन स्थापित होता है। अहंकार तो हानिकारक है ही, किंतु सत्यत्व पर अहंकार घातक होता है। जहां न अमृत न विष, न सुख न दुख, न स्वर्ग न नरक, वही परम आनंद है। उसी परम आनंद तक की यात्रा है तुम्हारी। ये यात्रा आनंद के सानिध्य की है, ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूं
मैं ही तू, हर आरंभ का मैं ही अंत हूं।